गया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बम प्लांट का उद्भेदन किया है। घटना सीमावर्ती क्षेत्र मदनपुर की है। आपको बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने बम प्लांट बिछाए थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने सीआरपीएफ और कोबरा के जवान के साथ मिलकर बम खोज निकाला। वहीं अधिकारियों ने इस बात का श्रेय सीआरपीएफ टीम को दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गया से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत बम प्लांट का उद्भेदन किया है, और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है वहां से? जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, क्या उन पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? राजेश, सर मैं आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड में नक्सलियों का बोलबाला रहा है, और आए दिन जब केंद्र सरकार के द्वारा सर्च ऑपरेशन जब चलाई जाती रही है, तो उसमें बड़ी सफलता केंद्रीय पुलिस बल और स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंट ऑपरेशन में अधिकारियों को मिला है। कल जो बम प्लांट किए गए, तो 83 बम प्लांट किए गए, तो वो लगभग 150 फीट की दूरी में वो प्लांट तैयार किया गया था, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल और अन्य लोगों को क्षति पहुंचानी थी। लेकिन ये अधिकारियों को सूझबूझ के कारण एक ऑपरेशन चलाया गया, और गुप्त सूचना के आधार पर बम प्लांट जो किए गए, तो उस जगह को चिन्हित किया गया और बम को उसे ब्लास्ट किया गया, क्योंकि काफी लंबे होने के कारण जंगली इलाका पड़ता है और नक्सलियों का आवागमन हमेशा होते रही। अब वर्तमान दौर में फिर नक्सलियों का एक गतिविधि तेज हो गई है, लेकिन जो सरकार के अधिकारी केंद्रीय जवान है, वो जवान भी अपने सतर्कता के साथ, बहादुरी के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलियों का मंसूबा को बेनकाब करते रहे, और उनकी जो तैयारियां जो रही है उन नक्सलियों पर पुलिस बल के अधिकारी हावी हो गए हैं। अब तमाम गतिविधियों को एक एक बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए राजेश, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गया का जो इलाका है वो बिल्कुल झारखंड से सटा हुआ है, और गया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इमामगंज की अगर हम बात करें या फिर बाराचट्टी की बात करें, बुरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं, और जहाँ पर अक्सर नक्सली घटनाएं सामने आती रहती हैं वहाँ पर, और पूरी तरह से वो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि झारखंड से सटा हुआ इलाका है, इस वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में नक्सली घटना करके चले जाते हैं, जिस से उनका पकड़ा जाना भी संभव नहीं हो पाता है, परेशानियां होती हैं पुलिस को भी। तो ये जो घटना घटी है, जिस तरह से जो सामने आई है, जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया सीआरपीएफ और गया पुलिस, जिला पुलिस की तरफ से, जिसमें ये, तो इसमें क्या कुछ पता चल पाया है कि आखिर किस वजह से? क्या वहां पर पुलिस का कोई मूवमेंट होने वाला था, या फिर वहां पर कोई नेता जो है वो जाने वाले थे? किस मकसद से नक्सलियों ने इस जो बम जो है वहां पर बिछाया था? हम आपको ये बता दें कि जो इमामगंज क्षेत्र जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का यह इलाका है, और इस इलाके में जीतन राम मांझी पर भी हमला हो चुका है। इसके पूर्व में पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दी गई थी, और उसकी आवाज बिहार के विधानसभा में कुमार सब्जी जो बोधिया के विधायक, तो उन्होंने उठाया था कि हमारे पिता के हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दी गई, जिसकी सीबीआई से मांग की जाए। इस आवाज को कहीं ना कहीं ये इमामगंज को जो दूसरी घटना को अंजाम देना था वो उससे जोड़ा जा रहा है, कि चूंकि नक्सलियों का अपना दहशत फैलाने के लिए दूसरा बम प्लांट किया गया था, जिसमें राजनेता या अधिकारी या आम पब्लिक जो भी आते वो इस नक्सलियों का शिकार बन जाता। दूसरी बात की झारखंड इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, और उस पहाड़ी इलाके के बाद घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली झारखंड की ओर कुछ कर जाते हैं, जिसके कारण दोनों राज्यों में तालमेल शायद बेहतर नहीं होने के कारण नक्सलियों का अपना जो गतिविधि है वो तेज करने में सफलता मिल जाती है, क्योंकि दोनों स्टेट के अधिकारी एक साथ ऑपरेशन चलाते हैं, हवाई ऑपरेशन चलाते हैं, तो शायद कई बार सफलता मिली भी है, लेकिन काफी दिनों से इस तरह का ऑपरेशन अभी नहीं हुई है, और नक्सलियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।